हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है फ्रिक्शन का और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। छोटी सी डेफिनेशंस है लेकिन फ्रिक्शन में यूज होती है और इनपे कुछ न्यूमेरिकल्स हम आगे करेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जो है ये दो एंगल्स है लेकिन ये दो अलग अलग प्लेन्स पे यूज होते हैं। जैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे किसी बॉडी को चलाना चाहते हो, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और आपने इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है और आप इस बॉडी को इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलाना चाहते हो, तब बेटा आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करते हो, जो मैं भी डिफाइन करने वाला हूं। लेकिन अगर आपने इसी प्लेन को हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल इंक्लाइनेड प्लेन बनाया है कुछ ऐसे, तो पहले आपके पास प्लेन ऐसे था, अब आपने प्लेन को ऐसे बनाया है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तब आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करोगे। लेकिन जब आप इसी प्लेन को इंक्लाइन करोगे कुछ ऐसे बनाओगे, तब आप एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन करने वाले हो। पहले हम देखना चाहते हैं दैट इन दो सिचुएशंस में क्या होगा। अगर हम बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखेंगे तब क्या होगा, और अगर इसी बॉडी को एक इंक्लाइनेड प्लेन पे रखा जाए तब क्या होगा। लेट अस सी, मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लूंगा और यहां पे इंक्लाइनेड प्लेन ले लूंगा। देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला केस होगा, सो वी कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल प्लेन केस, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यहां पे मैं इंक्लाइनेड प्लेन पे बॉडी को रखूंगा। लेट्स टेक द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस पे मैंने एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है, सपोज। तो ये मेरे पास एक बॉडी है और ये मैंने इसी प्लेन पे रखी हुई है और इस बॉडी का मास m है, और यहां इस साइड में मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, मेरे पास इंक्लाइनेड प्लेन है। ये देखो ये ग्राउंड है और मेरा प्लेन इस ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, से फॉर एग्जाम्पल ये थीटा एंगल पे या थीटा एंगल बना रहा है, या चलो थीटा हम नहीं लेंगे, अल्फा से डिनोट करेंगे, आप कुछ भी ले सकते हो, लेट अस टेक इट अल्फा। सो अल्फा एंगल पे मैंने एक प्लेन को इंक्लाइन किया है, मतलब मैंने जो प्लेन लिया है ये ग्राउंड के साथ अल्फा डिग्री एंगल बनाता है और इसके ऊपर भी मैंने एक बॉडी को रखा हुआ है। ये मेरे पास एक बॉडी यहां पर है, ये मैंने रखी हुई है, ठीक है ना। अब मैं देखना चाहता हूं दैट व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे इस वाले प्लेन पे और इस वाले प्लेन पे। पहले मैं इस वाले प्लेन पे जाऊंगा, तो आपको पता है कि इसके इस बॉडी पे नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होगा, हम उसको एमजी से डिनोट करेंगे। ये एमजी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एम इसका मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये सरफेस इसको एक सपोर्ट देगी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ देगी, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। सर ये नॉर्मल रिएक्शन है और आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे n की वैल्यू किसके बराबर है, बोलो mg के बराबर, क्योंकि ये बॉडी ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, हम इस बॉडी को स्लाइड करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ अगर मैं इसी बॉडी पे एक फोर्स एग्जर्ट करूं इस डायरेक्शन में, ये अप्लाइड फोर्स है, इसको मैं कैपिटल एफ से डिनोट करता हूं, ये अप्लाइड फोर्स है जिसको मैंने कैपिटल एफ से डिनोट किया, जो ही मैं इस पे फोर्स एग्जर्ट करूंगा, बॉडी चली नहीं है लेकिन बॉडी चलने वाली है या टेंडेंसी ऑफ मोशन है यहां पर, तो आपको पता होगा कि पीछे की तरफ टेंजेंट टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट और एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं, ये आपको याद होगा। और वी सपोज दैट ये बॉडीज रेस्ट में है या ये बॉडी रेस्ट में है, तब आप जानते हो जो पीछे की तरफ फोर्स लगने वाला है वो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है, इसलिए मैंने इसको एफ एस लिखा, ठीक है ना। हां पहले हम इस बॉडी को फिर से देखेंगे, मैंने एक बॉडी ली जिसका मास m था, मैंने इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा और इस पे जो लगने वाले फोर्सेस है उनको मैंने डिटरमाइन किया, मैंने कहा कि नीचे की तरफ इसको ग्रेविटी पुल करेगी, mg नीचे की तरफ पुल करेगी, ये सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ देगी, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है,
मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में एग्जर्ट किया, जो ही मैं डायरेक्शन इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स को एग्जर्ट करता हूं, यहां से इसको फ्रिक्शनल फोर्स जो है लगने वाला होता है, क्योंकि आपको याद होगा फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो अगर बॉडी इधर मूव करना चाहती है या हो रही है, चाहे बॉडी इधर मूव कर रही है या करने वाली है, इसकी टेंडेंसी है मूव करने की, तब हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कैसे लगेगा? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, लेकिन टेंजेंट टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, कुछ ऐसे। अब देखो, हम इस mg को कंसिडर नहीं करेंगे जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करते हैं, हमें ये mg नहीं चाहिए और ना हमें ये फोर्स चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है, हमें ये दोनों चीजें नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, mg भी प्रेजेंट है और ये लगने वाला फोर्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि जब भी मैं यहां पे फोर्स एग्जर्ट करूंगा तभी फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे आएगा। अब अगर आप देखोगे, अगर मैं इन दो फोर्सेस को कंसिडर करूं, नॉर्मल रिएक्शन को कंसिडर करूं और fs को कंसिडर करूं और इनका रिजल्टेंट मैं आपको दिखाऊं कहां से आएगा। देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये fs है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं तो मुझे पता है कि इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। सर, इनका रिजल्टेंट निकलेगा बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। आप देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाए तो मुझे लगता है कि इनका रिजल्टेंट ऐसे पैरेललोग्राम लॉ से निकाला जाएगा। तो इसका पैरेलल फोर्स मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो, इसका पैरेलल फोर्स मैंने इधर ड्रॉ किया, इसका पैरेलल फोर्स मैं इधर ड्रॉ करूंगा। देखो, ये मैंने इधर ड्रॉ किया और आप देखोगे दैट हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास एक पैरेललोग्राम की शेप आएगी, फोर साइडेड फिगर आएगी, ये आपने पढ़ा होगा। तब जो डायगोनल आप इधर ड्रॉ करते हो, जो आप मेन डायगोनल इधर ड्रॉ करते हो, इधर जो डायगोनल आप ड्रॉ करते हो, कुछ ऐसे, ये डायगोनल रिप्रेजेंट क्या करेगा? सर, मैं रिप्रेजेंट करूंगा, आई एम द रिजल्टेंट ऑफ, बोलो ये किस किस का रिजल्टेंट है? आई एम द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना? लेकिन अगर आप प्रॉपरली देखोगे, ये रिजल्टेंट कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा किसके साथ? अरे बोलो, किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ। देखो, ये इसने एंगल थीटा यहां पे सबटेंड किया, किसने सबटेंड किया? सर, रिजल्टेंट ने सबटेंड किया, किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ। ये थीटा एंगल किसने सबटेंड किया? सर, ये तो सबटेंड किया रिजल्टेंट ने, किन के रिजल्टेंट ने? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के रिजल्टेंट ने, नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के रिजल्टेंट ने, ठीक है ना? इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ थीटा एंगल सबटेंड किया और इसी थीटा एंगल को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? बोलो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अगर आप इसके डेफिनेशन बुक्स में देखोगे तो थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन होती है दैट व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय रिजल्टेंट ऑफ, किस किस का रिजल्टेंट? बोलो, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ, हां बोलो, नॉर्मल रिएक्शन एंड हां स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये रिजल्टेंट किस किस का? नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का कितने डिग्री एंगल बनाएगा? कितने डिग्री एंगल बनाएगा किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ। हां, कितने डिग्री एंगल बनाएगा? नॉर्मल रिएक्शन के साथ। उसी को हम बेसिकली क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फिर से देखो, मैंने कहा जो ये एंगल यहां पे बन रहा है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में, या जो यहां पे एंगल बन रहा है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, जो ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बना रहा है उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे जब हम डेफिनेशन लिखते हैं हम बोलते हैं इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय बोलो किसने सबटेंड किया? सबटेंडेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ
सबटेंडेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ, किसके रिजल्टेंट ने, रिजल्टेंट ऑफ, बोलो किसके रिजल्टेंट ने, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके साथ, किसके साथ एंगल बनाएगा, विद द नॉर्मल रिएक्शन, विद द नॉर्मल रिएक्शन, विद द नॉर्मल रिएक्शन। इसको मोस्टली हम डिनोट करते हैं थीटा से या लेमडा से, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय थीटा और लेमडा। इसको हम या तो डिनोट करेंगे थीटा से या लेमडा से डिनोट करेंगे। अब मैं इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने वाला हूं। देखो एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करूंगा मैं, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल मेरे पास है, ये थीटा है, तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर है जिसपे 90 बनाता है, तो ये बेस होगा, थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। मैं इसमें टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं। सो इन ट्राइंगल, बोलो किस ट्राइंगल में, ओ फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ओ ए बी ट्राइंगल में मैं टेन थीटा कैलकुलेट करूंगा, मैं देखता हूं किसके बराबर मिलेगा। टेन थीटा, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा बोलो परपेंडिकुलर कौन है, सर परपेंडिकुलर ये है। अरे ये है कौन, सर ये तो ये है, ये कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है क्योंकि हमने इसी वेक्टर को इधर ड्रॉ किया था। ये कौन सा वेक्टर था, सर ये तो एफएस था। अच्छा ये भी क्या होगा, सर ये भी एफएस होगा। इसका मतलब हम टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे एफएस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अरे बेस कौन है, सर बेस एन है, नॉर्मल है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, हमने उसमें एक रिलेशन लिखी थी दोनों के लिए, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, उनके लिए मैंने रिलेशन लिखी थी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा। फिर हम लिखते हैं कि एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो पहले प्लीज उस वीडियो पे जाओ, एफ एल जो कि बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है डिवाइडेड बाय, अगर मैं एन लिखूं तो वो म्यू एस के बराबर वापस आएगा। तो मतलब जब भी मैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन लिखता हूं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन लिखता हूं, वो मुझे क्या देगा, सर वो आपको देगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं ऐसे लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, वायर म्यू एस इज कॉल्ड व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ, हां बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। सर इससे क्या फायदा, अरे ये हमें दिया होता है बेसिकली, ये हमारी सरफेसेस के लिए कैलकुलेट किया होता है, कौन, म्यू एस ऑलरेडी हमारे सरफेसेस के लिए कैलकुलेटेड है। तो अगर आपके पास म्यू एस पता है, आप म्यू एस जानते हो, आप म्यू एस जानते हो, तो आप आराम से, आप म्यूएस जानते हो तो आप आराम से थीटा को निकाल सकते हो। देखो इंप्लाइज अगर मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करूं तो थीटा की वैल्यू आएगी, ये टेन इधर जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस, ये मेरे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल देखो, अब अगर म्यूएस की वैल्यू मुझे दी हुई है, म्यूएस की वैल्यू 0.75 है, या जिसको हम 3/4 बोलेंगे, म्यूएस की वैल्यू 3/4 है, ठीक है ना, क्या तब मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस की वैल्यू 3/4, और 3/4 अगर मैं देखूं, अगर आपको वो ट्रायंगल याद होगा जो मैंने बार बार इससे पहले डिफाइन किया है, ये 3/4/5 ट्रायंगल है, यहां पे एंगल 37 डिग्रीज होता है, ये आपको याद होगा, ये 3/4/5 ट्रायंगल है, यहां पे एंगल 37 डिग्रीज होता है। अगर आप टेन निकालोगे, अगर ये 37 डिग्रीज है तो ये परपेंडिकुलर होगा
ये बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा। 3 4 5 ट्रायंगल आप याद रखो, अगर आपने ये साइड 3 लिया है, ये 4 लिया है, ये 5 लिया है, तब यहां का एंगल कितना होगा? 37 डिग्रीज। तो ये परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल ये है, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस होगी। परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस 3/4, किसके बराबर? टेन 37 डिग्रीज के बराबर, टेन 37 डिग्रीज। इसका मतलब हम 3/4 के बदले क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स टेन 37 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि टेन 37 डिग्रीज किसके बराबर होता है? 3/4 के बराबर। ये और ये कैंसल हो जाएगा तो हमें थीटा मिलेगा 37 डिग्रीज। तो इसलिए हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन। टेन थीटा इज इक्वल टू म्यूएस, आपको म्यूएस पता होता है, आप आराम से थीटा को निकाल सकते हो। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन रहेगी किसकी? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। तो डेफिनेशन आ गई और इसकी एक्सप्रेशन आ गई। अब हम जाते हैं एंगल ऑफ रिपोज पे। मैंने पहले ही कहा दैट एंगल ऑफ रिपोज हम तब डिफाइन करते हैं जब हमारे पास इंक्लाइनेड प्लेन दिया होगा, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन तब डिफाइन किया जाता है जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। हम बेसिकली अब किस पे जाएंगे? इंक्लाइनेड प्लेन पे। तो ये देखो बेटा, मैं इंक्लाइनेड प्लेन पे जा रहा हूं और यहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। वी सपोज दैट वी हैव एन इंक्लाइनेड प्लेन नाउ, ये मेरे पास एक इंक्लाइनेड प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे इंक्लाइनेड है, ठीक। और इसके ऊपर हमने एक बॉडी को रखा हुआ है, ये एक बॉडी रखी हुई इंक्लाइनेड प्लेन पे, ठीक है ना। इसका मास एम है। अगर आपको कहा जाए कि इस पे जो लगने वाले फोर्स है वो कितने हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे। देखो थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। सर पहले ग्रेविटी लगेगी, क्या ऐसे लगेगी ग्रेविटी? ऐसे नहीं सर, ये तो गलत है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स आप ऐसे ड्रॉ करो दैट कि वो ग्राउंड पे नॉर्मल हो। ग्राउंड ये है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने ड्रॉ किया ये नॉर्मल नहीं है, तो हमने गलत ग्रेविटेशनल फोर्स को ड्रॉ किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली ऐसे ड्रॉ होगा, ये देखो ऐसे परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड है इस पे परपेंडिकुलर। तो इसको मैं लिख के रखूंगा कि आप mg रिप्रेजेंट करोगे, तो पहला फोर्स जो लगने वाला है हमारे ब्लॉक पे, जो पहला फोर्स लगने वाला है वो mg होगा परपेंडिकुलर और वर्टिकली डाउनवर्ड्स, या परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अच्छा, इसको सपोर्ट भी मिल रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी होगी, तो हम ये नॉर्मल रिएक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल टू द बॉडी। ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन है, दैट इज नॉर्मल टू द बॉडी, ये नॉर्मल रिएक्शन है। दोनों आगे। अब सर अब देखो अब क्या होगा, अगर मैं एन और एमजी को देखूं तो ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे, ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि जैसे यहां पे ये अपोजिट ईच अदर थे, एन और एमजी इधर था, लेकिन यहां पे ये अपोजिट ईच अदर नहीं है। ये नॉर्मल रिएक्शन इस टाइम एमजी के साथ बैलेंस नहीं करेगी क्योंकि ये अपोजिट ईच अदर नहीं है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होती, कुछ ऐसे होती, तब हम इस एन को शायद एमजी के साथ बैलेंस कर पाते, लेकिन ये अपोजिट टू एमजी नहीं है तो ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे। लेकिन आपको पता है बॉडी ऊपर नहीं जाती, अगर आपके पास एक इंक्लाइनेड प्लेन है, आपने इंक्लाइनेड प्लेन पे एक बॉडी को रखा है, ये थोड़ी खुद ही ऐसे जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये एन जो है किसी और चीज के साथ बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी ना तो इंक्लाइनेड प्लेन से उठ के ऊपर जाती है और ना ही इंक्लाइनेड प्लेन को तोड़ के नीचे आती है, है कि नहीं? रीजन आपको समझ आया? हां सर, ये एन किसी न किसी के साथ तो बैलेंस हो रहा है, क्योंकि अगर ये एन किसी के साथ बैलेंस नहीं होगा तो उसका मतलब यह है कि इसका एन का इफेक्ट ऐसे होगा, तो ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से ऐसे ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। लेकिन ये एन जो है किसी न किसी चीज के साथ बैलेंस हो रहा है। अब सवाल है सर, ये किसके साथ बैलेंस हो रहा है? बेसिकली एमजी का एक कंपोनेंट इस एन को बैलेंस करता है, दूसरा कंपोनेंट देखते क्या करेगा। हम इस एमजी को क्या करेंगे? हम इस एमजी को रिजोल्व करना चाहते हैं, हम इसके दो कंपोनेंट्स निकालेंगे। एक कंपोनेंट ऐसे निकालेंगे, ये ऐसे। सर ऐसे क्यों?
सर ऐसे क्यों निकाला आपने एक कंपोनेंट, अरे मुझे इसको तो बैलेंस करना होगा ना, किसको, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन कब बैलेंस होगी, जब इसको बिल्कुल अपोजिट में एक और कंपोनेंट नीचे की तरफ, एक और फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा। ये खुद ऊपर की तरफ है तो जरूरी है अगर इसको बैलेंस करना है तो नीचे की तरफ और एक फोर्स खींचना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने इस एमजी का एक कंपोनेंट यहां से ड्रॉ किया। हां तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये कंपोनेंट इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि ये बॉडी ना तो ऊपर जाएगी और ना ही नीचे जाएगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और एमजी का एक कंपोनेंट एमजी का बैलेंस हो गया। अच्छा दूसरा कंपोनेंट कैसे डालेंगे, सर दूसरा कंपोनेंट एज पर रेजोल्यूशन हम डालते हैं कि दूसरा कंपोनेंट इस पहले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब अगर ये पहला कंपोनेंट है जो आप इस एमजी का दूसरा कंपोनेंट निकालने वाले हैं, वो कंपोनेंट इस फर्स्ट कंपोनेंट के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। क्या ऐसे निकालना पड़ेगा, देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जो मैं डॉट्स बना रहा हूं ना, ये डॉट्स हां सर, ये सेकेंड कंपोनेंट और ये फर्स्ट कंपोनेंट किसका, एमजी का, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अच्छा ये एन और वन आपस में क्या करेंगे, सर ये दोनों तो बैलेंस हो जाएंगे। देखो एमजी के दो टुकड़े हुए, वन एंड टू, वन ने बैलेंस किसको किया, सर एन को किया, बचा कौन, तो ऑनली फोर्स जो ब्लॉक पे बच रहा है वो सेकेंड कंपोनेंट है। ये सेकेंड कंपोनेंट क्या करना चाहेगा, सर ये सेकेंड कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ लाना चाहेगा, किसको, सर ब्लॉक को नीचे की तरफ लेना चाहेगा, है कि नहीं। पहले हम देखते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है, कंफ्यूज, हाँ देखो कैसे, चलो हम प्रूव करते हैं, अगर ये अल्फा है कि क्या ये भी अल्फा है। तो मैंने कहा अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, मैं प्रूव करना चाहूंगा। देखो ये अल्फा है, ये कितना है, सर ये 90 है, ये मुझे नहीं पता ये वाला एंगल, इसको मैं एक्स मान के चलता हूं, इसको मैं वाई मान के चलता हूं। पहले हम एक्स देखेंगे, अच्छा ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180, तो इसमें कितने एंगल्स बने, अल्फा 90 और एक्स, अल्फा प्लस 90 प्लस एक्स, अल्फा प्लस 90 प्लस एक्स कितना होगा, 180 डिग्रीज, ट्रायंगल्स के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के बराबर होगा। मुझे पहले x निकालना है उसके बाद y निकालूंगा मैं, तो x किसके बराबर आएगा, सर x आएगा 180 अपनी जगह पे, 90 इधर जाएगा तो माइनस 90 बनेगा, तो माइनस अल्फा बनेगा, समझ आया, हाँ सर। तो x किसके बराबर आएगा, 180 में से 90 काटो तो कितना, 90 माइनस हो गया अल्फा, इसका मतलब ये वाला 90 माइनस अल्फा है, कौन सा वाला, ये, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा अब इन दो कंपोनेंट्स को देखो, पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट को देखो, जो पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट है क्या वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर डाले गए थे, हाँ सर। अगर पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर डाले गए थे, इसका मतलब जो ये दो कंपोनेंट्स एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं अंदर, किसके साथ, एमजी के साथ, कौन कौन सा एंगल, एक्स और वाई, ये फर्स्ट कंपोनेंट वाई एंगल बनाता है, ये सेकेंड कंपोनेंट x एंगल बनाता है, लेकिन ये टोटल एंगल x प्लस y 90 के बराबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। क्या मैं लिखूं x प्लस y मस्ट बी इक्वल टू 90, हां सर ये तो सच है। अच्छा x की वैल्यू मुझे पता है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y कितना मिलेगा, 90 माइनस x, y मिलेगा 90, ये x इधर तो माइनस x, तो y की वैल्यू अगर मैं निकालू तो 90 अपनी जगह पे माइनस, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस अल्फा, चलो 90 माइनस अल्फा कुछ ऐसे, देखो देखो y इज इक्वल टू 90 माइनस x, y इज इक्वल टू 90 अपनी जगह पे माइनस x की वैल्यू कितनी, 90 माइनस अल्फा, तो क्या y मिलेगा 90 माइनस 90 प्लस अल्फा, 90 माइनस 90 प्लस अल्फा, ये 90 कैंसिल हो गया तो y इज ऑल्सो अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा, जो मैंने पहले कहा था अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, तो मैं इसको इसलिए अल्फा रखूंगा यहां पे। सर फिर तो आसान है, अगर ये अल्फा है सर ये फिर कॉस कंपोनेंट होगा और ये साइन कंपोनेंट होगा, राइट आंसर। तो इसलिए मैं लिखना चाहूंगा
दैट अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है कौन, ये, तब ये भी अल्फा ही होगा, तब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा किसका, mg का, लिखेंगे क्या, mg cos ऑफ अल्फा। अच्छा इस वाले को क्या लिखेंगे सर, ये वाला होगा mg sin ऑफ अल्फा। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, ये वाला mg cos अल्फा होगा, ये वाला mg sin अल्फा होगा। अब देखो अब क्या होगा, इसका मतलब ये n जो है mg cos अल्फा को बैलेंस करेगा, तभी ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है और ना इस प्लेन को तोड़ के नीचे आ रहा है, क्योंकि ये n और mg cos अल्फा आपस में बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि ये n जो है दैट विल बी इक्वल टू mg cos ऑफ अल्फा। तो mg के दो टुकड़े हुए, एक ने इसको बैलेंस किया, बचा कौन, mg sin अल्फा, ये इसको नीचे उतारने की कोशिश करेगा। अरे समझ आया, हां सर ये वाला इसको नीचे उतारने की कोशिश करेगा, लेकिन जो ही ये नीचे उतारने की कोशिश करेगा, जो ही इसको खींचेगा तो ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। क्या फ्रिक्शनल फोर्स आप जानते हो किस डायरेक्शन में होता है सर, इनर डायरेक्शन अपोजिट टू द, हां, मोशन ऑफ द बॉडी। मोशन ऑफ बॉडी नीचे है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ खींचने वाला है, ये देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स खींचने वाला है। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन है सर, अभी अभी कहां बॉडी चली है, अभी इसने खींचा है थोड़ा सा, फिर देखना पड़ेगा कि ये mg sin अल्फा इतना स्ट्रांग है कि नहीं, कि ये इस बॉडी को नीचे ला सकता है। अभी हमें पता है कि ऊपर की तरफ एफ एस लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ और आपको याद होगा, चलो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग, क्योंकि कब तक ये mg sin अल्फा इसको नीचे नहीं ला सकता, कब तक, जब तक mg sin अल्फा जो है वो fl के बराबर होगा, क्योंकि आपको याद है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, पिछला लेक्चर देखो पहले, ठीक है ना, और ये अपने आप को बढ़ाता रहेगा, ये बढ़ेगा ये खुद को बढ़ाएगा, ये और बढ़ेगा ये खुद को बढ़ाएगा, ये और बढ़ेगा ये खुद को बढ़ाएगा, एंड सो ऑन। मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, पहले मैं देखता हूं ये ऊपर की तरफ जो फोर्स लगने वाला ये कितना है। देखो एम जो है mg cos अल्फा को बैलेंस करेगा, नाउ एम जो है ये mg cos अल्फा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, और आपको याद होगा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है सर, वो होता है म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, लेकिन एन की वैल्यू कितनी है, mg cos ऑफ अल्फा। क्या मैं लिख सकता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल, बोलो, mg म्यू एस, गुड, म्यू एस, हां बोलो, mg, शाबाश, cos ऑफ अल्फा, ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है, नीचे की तरफ कौन है, mg sin अल्फा, ऊपर की तरफ कौन है, fl, वो किसके बराबर है, म्यू एस mg cos ऑफ अल्फा। अब देखो अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने साइन और कॉस के वैल्यूज देखे होंगे, साइन और कॉस के वैल्यूज इनवर्स ईच अदर होते हैं, मतलब जहां पे साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वहां पे कॉस का मिनिमम वैल्यू होता है। क्या आपको पता है कुछ ऐसे, क्या आपको मालूम है दैट साइन जीरो इज जीरो, हां सर, लेकिन क्या आपको पता है कि कॉस जीरो इज वन, बिल्कुल, आपको मालूम होगा दैट साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो बट कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, है कि नहीं, साइन जीरो जीरो के बराबर होता है, कॉस जीरो वन के बराबर होता है, तो जहां पे साइन मिनिमम है वहां पे कॉस, बोलो, मैक्सिमम है। अगर आप एंगल को छोटा रखते हो तो साइन की वैल्यू कम होती है लेकिन कॉस की वैल्यू ज्यादा होती है, एंगल छोटा है अगर एंगल छोटा है तब साइन की वैल्यू कम, कॉस की वैल्यू ज्यादा। अच्छा और एक चीज, साइन 90 कितना होता है सर, साइन 91 के बराबर होता है, लेकिन कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। अगर आप एंगल को बढ़ाओगे तो साइन बढ़ेगा लेकिन कॉस घटेगा, कॉस कम होगा। अगर आप थीटा को बढ़ाओगे, एंगल को बढ़ाओगे तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी लेकिन कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी। आप एंगल को डिक्रीज करोगे कौन बढ़ेगा, बोलो, कॉस बढ़ेगा, डिक्रीज पे एंगल को डिक्रीज करोगे कॉस बढ़ेगा, साइन कम होगा, लेकिन एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो साइन बढ़ेगा, कॉस कम होगा। हाँ सर, अब देखो,
अगर मैं इसी इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा और इंक्लाइन करूं, बोलो मैंने एंगल बढ़ाया कि एंगल कम किया? अरे बोलो सर, आपने तो एंगल बढ़ाया। अगर मैं एंगल बढ़ाऊं तो क्या साइन एम जी साइन अल्फा वाला फोर्स बढ़ जाएगा? हां सर, ये तो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। हमने अल्फा को बढ़ाया, उसे साइन अल्फा बढ़ा। जब साइन अल्फा बढ़ा तो ये सारा एम जी साइन अल्फा बढ़ा, लेकिन यहां कॉस अल्फा कम हुआ होगा, क्योंकि जितना आप अल्फा को इंक्रीज करोगे, अगर आपने अल्फा को इंक्रीज किया, साइन इंक्रीज होगा, कॉस डिक्रीज होगा। अगर आपने इसको नीचे लाया, मतलब अल्फा को डिक्रीज किया, ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। अच्छा मुझे बताओ ये क्या चाहता है? ये सर ये चाहता है ब्लॉक को नीचे लाओ। अच्छा ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि ब्लॉक रेस्ट में रहे, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये बोलता है कि ब्लॉक जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में इसको रखो, मतलब ये रेस्ट में है तो इसको रेस्ट में ही रहने दो, ठीक है ना। अब अगर मैंने अल्फा को बढ़ाया, क्या ये वीक हो गया? हाँ सर, ये तो वीक हो गया। क्यों? क्योंकि कॉस अल्फा डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्ट्रांग हो गया, मतलब ये बढ़ गया, ये बढ़ गया क्योंकि साइन अल्फा बढ़ गया। तो अगर आप एंगल को बढ़ाओगे तो ये फोर्सेस जो है ये इंबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूं। देखो पहले क्या था, पहले एम म्यू एस एम जी कॉस अल्फा बहुत ज्यादा था, ठीक, एम जी साइन अल्फा कम था, तो बॉडी रेस्ट में थी। मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया, मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसे बनाया, देखो ये मैंने इंक्लाइंड प्लेन बनाया, ये इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने ब्लॉक को अच्छा इतना इंक्लाइन बनाया, इतना थोड़ा सा इंक्लाइन बनाया, ये ब्लॉक रेस्ट में है। इस टाइम कौन ज्यादा होगा? सर इस टाइम ये ज्यादा होगा, म्यूएस एमजी कॉस अल्फा डोमिनेट कर रहा होगा, ये ग्राउंड है, देखो इतना एंगल मैं बना रहा हूं। अब मैंने एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया, जब मैंने एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया, ऊपर वाला फोर्स डिक्रीज हुआ, नीचे वाला फोर्स इंक्रीज हुआ, लेकिन अभी भी ब्लॉक स्लाइड नहीं हुआ, ठीक है ना। मैंने और एंगल को बढ़ाया, देखो मैं और एंगल को बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ये फिर से डिक्रीज हुआ और ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, एक बार ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन? अरे बोलो, म्यू एस एम जी कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा एक टाइम पे, एक एंगल पे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। आई सपोज दैट इस एंगल पे वो इक्वल हो गए, इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा एंगल बढ़ाऊं तो ये ब्लॉक स्लाइड होना स्टार्ट करेगा। आप समझो, मैंने कहा कि पहले ये स्ट्रांग था, ये वीक था, मैंने एंगल को थोड़ा बढ़ाया, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये और डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, एक स्टेज आया जब ये दोनों इक्वल बन गए। जैसे मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, ऊपर वाला फोर्स 100 था, ये वाला फोर्स फॉर एग्जांपल 60 था, मैंने एंगल बढ़ाया, ये डिक्रीज हुआ टू 90, सपोज ये इंक्रीज हुआ टू 70, मैंने और एंगल बढ़ाया, ये बोलो डिक्रीज हुआ टू 90 से 80 और ये इंक्रीज हुआ 70 से 80, इक्वल बन गए। तो एक एंगल पे ये इक्वल बन जाएंगे, और इक्वल होने के बाद देखो, इक्वल होने के बाद क्या होगा? अच्छा अगर ये इक्वल है, एम जी साइन अल्फा और म्यू एस एम जी कॉस अल्फा आपस में बराबर है, क्या बॉडी स्लाइड होगी कि रेस्ट में रहेगी? सर अभी भी रेस्ट में है, लेकिन अगर आपने फर्दर एंगल को बढ़ाया तो ये वाला अब डिक्रीज होगा और ये वाला इंक्रीज होगा, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगी। वो एंगल जहां पे ये इससे ज्यादा बन जाए, कौन? एम जी साइन अल्फा की वैल्यू म्यूएस एम जी कॉस अल्फा से ज्यादा बन जाए और बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करे, ठीक है ना। वो वैल्यू, वो एंगल जब एम जी साइन अल्फा ज्यादा हो जाए और म्यूएस एम जी कॉस अल्फा नीचे आ जाए, सॉरी कम हो जाए, बॉडी नीचे आना स्टार्ट करेगी उस एंगल पे। लेकिन उससे पहले की सिचुएशन हमें चाहिए, हमें वो एंगल नहीं चाहिए जब बॉडी स्लाइड कर रही है, हमें ये वाली सिचुएशन चाहिए। कौन सी वाली? 80-80 सिचुएशन, जब mg sin अल्फा म्यूएस mg cos अल्फा के बराबर है, क्या बॉडी अबाउट टू स्लाइड डाउन है? हाँ, स्लाइड नहीं हुई है अभी, ये मूव नहीं हुई, इट्स अबाउट टू मूव। अगर आपने थोड़ा सा भी एंगल अब इंक्रीज किया, अगर आपने थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाया, तो अब बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन में नहीं रहेगी, ये बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन में चली जाएगी।
इस टाइम ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको खींच रहा है ऊपर की तरफ, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो इसको रोक सकती है। अगर आपने एंगल को थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये नीचे आ जाएगी। तो इस कंडीशन में आप देखो वो एंगल जहां पे ये कंडीशन फॉलो करे, द एंगल एट विच, वो एंगल जहां पे mg sin alpha किसके साथ बैलेंस होगा, μs mg cos alpha के साथ में। सो अगर mg sin alpha बैलेंस हो जाएगा μs mg cos alpha के साथ में, तब आप लोगों को पता है दैट बॉडी स्लाइड नहीं हुई है, इट्स अबाउट टू स्लाइड डाउन। ये स्लाइड होने वाली है कब, जब आप एंगल को थोड़ा और इंक्रीज करोगे, ठीक है ना। इस एंगल पे ये सिचुएशन है, इस अल्फा एंगल पे ये सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन, दैट नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स आपस में बैलेंस हो गए हैं और बॉडी जो है अभी भी रेस्ट में है लेकिन अबाउट टू मूव है, मतलब अगर आप एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाओगे ये नीचे गिर जाएगी, ये बॉडी नीचे गिर जाएगी। इस सिचुएशन को ही बेसिकली, इस सिचुएशन को अगर आप अटेन करते हो, ऑब्टेन करते हो किसी एंगल पे, तब उसी एंगल को हम बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द इंक्लाइनेड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइनेड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा, सो दैट बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड डाउन, बॉडी नीचे गिरने को तैयार होगी लेकिन अभी नहीं गिरी है, उसी एंगल को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहां पे एंगल ऑफ रिपोज अल्फा है क्योंकि हमने अल्फा रखा एंगल, तब हमने कहा कि ये सिचुएशन अल्फा पे आ गई। कौन सिचुएशन, mg sin अल्फा μs mg cos अल्फा के साथ बैलेंस हुआ, हमें बेसिकली अल्फा की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, ये mg और ये mg कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा साइन अल्फा इज इक्वल टू μs cos अल्फा, कुछ ऐसे। ये साइन अल्फा अपनी जगह पे, इस कॉस अल्फा को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा μs, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कितना हो गया, टेन अल्फा हमें μs मिलेगा। सर ये तो वही सिचुएशन होगी फिर से, जैसी सिचुएशन आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन में डिराइव की थी वही सिचुएशन आपने यहां पे भी डिराइव की। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स μs, वहां पे भी तो सर यही मिला था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स μs, यहां पे मिला अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स μs, इसका मतलब थीटा और अल्फा एक ही है, सेम है। अब सिर्फ फर्क यह है थीटा तब डिफाइन होगा जब आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को कंसिडर किया है और अल्फा तब डिफाइन होगा जब आप एक इंक्लाइनेड प्लेन को कंसिडर कर रहे हो। सो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स μs, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू थीटा, अल्फा थीटा के बराबर है। तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, मैं यहां पर डेफिनेशन लिखूंगा, द एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय द इंक्लाइनेड प्लेन, जो एंगल इंक्लाइनेड प्लेन सबटेंड करेगी विद द हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सच दैट द बॉडी, जो बॉडी है, सच दैट द बॉडी, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, इज नोन एज, इसी को हम नाम देते हैं क्या, एंगल ऑफ रिपोज, इसको हम एंगल ऑफ रिपोज का नाम देते हैं। एंड इसको हम नॉर्मली, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, हमारे पास एक बॉडी है, इसको एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है, ये देखो ये इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी है, इसका मास एम है, ठीक है, चलो मास हमें पता है इसका मास एम है, इसका म्यू दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 0.75 और यहां पे एंगल दिया हुआ है 53 डिग्रीज, तो 53 डिग्रीज एंगल है और म्यू 0.75 है, हमें बताया गया पहला क्या, बॉडी स्लाइड होगी
या नहीं होगी, क्या बॉडी रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी। तो पहला है डिटरमाइन, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी की स्टेट को डिटरमाइन करना है दैट वेदर द बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन। अगर इसके बाद आप हमें डिटरमाइन और क्या करना है, इसके बाद डिटरमाइन करना है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, अब सवाल से कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो सिचुएशन डिमांड करेगी। अगर बॉडी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, अगर रेस्ट में है तो हां स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। तीसरा व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये तीन पार्ट्स मुझे पूछे गए हैं। मैं यहां पे देखता हूं क्या होगा। अगर मुझे ये देखना है दैट बॉडी स्लाइड डाउन होगी या नहीं होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, फिर मुझे देखना है, पहले मुझे ये पता लगाना है दैट इस इंक्लाइनेड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज कितना है। अगर इस इंक्लाइनेड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज 50 डिग्री से ज्यादा है तब बॉडी स्लाइड नहीं होगी, लेकिन अगर इसका एंगल ऑफ रिपोज 53 डिग्री से कम है तब बॉडी स्लाइड डाउन होगी। क्योंकि बॉडी कब स्लाइड डाउन होती है, जब आप एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल पे इसको रखोगे, एंगल ऑफ रिपोज पे दोनों बैलेंस हो जाते हैं, एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा सा अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो बॉडी स्लाइड डाउन हो जाती है। तो अगर इस इंक्लाइनेड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज 53 डिग्री से ज्यादा होगा तब बॉडी स्लाइड डाउन होगी। तो बॉडी का स्टेट क्या होगा कि बॉडी विल बी इन मोशन और इसके पास काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, फिर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। लेकिन अगर इसका एंगल ऑफ रिपोज 53 डिग्री से कम है, ठीक है ना, अगर इसका एंगल ऑफ रिपोज अगर इसका एंगल ऑफ रिपोज 53 डिग्री से कम है तब ये नीचे आएगी, लेकिन अगर एंगल ऑफ रिपोज 53 डिग्री से ज्यादा है तब ये वही रहेगी, है कि नहीं। क्योंकि स्लाइड डाउन कब होती है, जब आप स्लाइटली एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल पे इसको चलाओगे, ठीक है ना। अब आपको समझ आएगा। अभी देखो, सो न्यूमेरिकल बताता है दैट क्या ये बॉडी स्लाइड डाउन होगी या नहीं होगी। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा दैट पहले इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा, उसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट क्या बॉडी नीचे जाएगी या नहीं जाएगी। हमें पता है कि एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है, वी नो दैट एज टेंजेंट अल्फा एंगल ऑफ रिपोज जो है वो होता है म्यू एस के बराबर। अब म्यू हमें दिया हुआ है 0.75, तो मैं लिखूंगा टेन अल्फा इज इक्वल टू 0.75, अल्फा विल बी इक्वल टू टेन, इधर लेके आएंगे तो टेन इनवर्स 0.75 में अभी भी आपको समझा रहा था 3 4 5 ट्रायंगल में, क्योंकि 0.7 जो है ये 3/4 के बराबर होगा। अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.75। इसका मतलब ये अल्फा जो है आप लिख सकते हो टेन इनवर्स 3/4, ठीक है ना। तो 3/4 क्या होता है, ये 37 डिग्रीज होगा, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तब ये 37 डिग्रीज होगा। ये 37 है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 आ जाएगा, इसका मतलब टेन 37 डिग्रीज। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बोलो टेन 37 डिग्रीज, टेन टेन इनवर्स कैंसल हो गया, इसका एंगल ऑफ रिपोज 37 है। मतलब अगर आप 37 से थोड़ा सा एंगल इंक्रीज करोगे बॉडी स्लाइड डाउन हो जाएगी, लेकिन आपने तो 53 रखा है, इसका मतलब ऑब्वियसली बॉडी नीचे जा रही होगी, है कि नहीं। तो अगर बॉडी नीचे जा रही है तब मैं ये मान के चलता हूं दैट स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ बॉडी क्या है, दैट बॉडी इज इन मोशन, बॉडी मोशन में है। और अगर बॉडी मोशन में है तब इसके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपको याद होगा, देखो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू के याद है इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब म्यू जो है ये असल में हमें म्यू दिया गया है, ठीक है। जब एक ही म्यू दिया होगा, अदरवाइज म्यू के दो वैल्यूज भी दिए होते हैं, म्यू ऐसा अलग दिया होता है, म्यू के अलग दिया होता है। अगर आपके पास म्यू का एक ही वैल्यू दिया हुआ है तो आप इसको दोनों जगह यूज कर सकते हैं, म्यू एस के लिए भी और म्यू के लिए भी। अगर आपके न्यूमेरिकल में म्यू का एक ही वैल्यू दिया हुआ है
तब आप इसको एज म्यू एस भी यूज कर सकते हो, एज म्यू के भी यूज कर सकते हो, याद रखो। लेकिन अगर आपको अलग अलग दिए हुए हैं म्यू एस एंड म्यू के, तब आपको अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग वैल्यूज यूज करने होंगे, क्योंकि यहां पे एक ही म्यू की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे। एफ के इज इक्वल टू म्यू के इन पे एन। सर म्यू की हमें पता है कितना, 0.75, लेकिन सर एन तो पता ही नहीं है, एन यहां से निकालेंगे। आपको याद होगा हम कैसे निकालते हैं, सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरह एमजी होगा, सर ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, अरे याद है। फिर हमने दो कंपोनेंट सर निकाले थे, एक कंपोनेंट इधर से निकाला था, दूसरा कंपोनेंट इधर से निकाला था। यहां से जो कंपोनेंट निकला था वो था mg का cos कंपोनेंट, cos 53, अरे याद है, हाँ सर। और यहां से जो निकला था वो था mg का sin 53, ये नॉर्मल रिएक्शन था। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके साथ बैलेंस करेगा, mg cos 53 के साथ, क्योंकि बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसलिए ये ऑब्वियसली बैलेंस करेगा इसके साथ, है कि नहीं। जरा लेके आओ, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर, म्यू के 0.75, जिसको हम 3/4 लिखेंगे, चलो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, कितना नॉर्मल रिएक्शन, mg cos 53, mg cos ऑफ 53 डिग्री, चलो 53 निकालेंगे। इसी ट्रायंगल में हमें 53 निकालना है, 3/4/5, ये कितना 37, ये कितना 90, तो ये 53 होगा, जिसको समझ नहीं आया, 90 प्लस 37 प्लस ये टोटल 180 डिग्रीज होना चाहिए, वो तब बनेगा जब इसको आप 53 मान के चलोगे। ये वाला हमें पता है, ये 37 है, अगर आपको टोटल सम 180 बनाना है तो ये जरूरी 53 होना चाहिए, हमें 53 चाहिए ना, cos 53 चाहिए हमें, तो हमें ये एंगल इस टाइम कंसिडर करना है। चलो अगर आप इस एंगल को कंसिडर करते हो, तब इसका अपोजिट साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर होगा P, 53 का अपोजिट साइड ये है, 37 का ये है, अगर एंगल 37 है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, अगर 53 डिग्री एंगल आपने कंसिडर किया तो ये अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, ये होगी बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक। हमें चाहिए क्या, कॉस, कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अरे बेस कौन है सर, ये हाइपोटेन्यूज कौन है सर, ये तो 3/5, तो एफ के की वैल्यू मुझे मिलेगी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय एमजी मल्टीप्लाइड बाय कॉस 53, कितना हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5 कुछ ऐसे, कितना बनेगा 9/20 टाइम्स एमजी, तो एफ के की वैल्यू मिलेगी 9 3 3 9 डिवाइड बाई 5 4 20 टाइम्स एमजी, ये हमें एफ के की वैल्यू मिली। अच्छा एफ के किधर होगा, अरे बोलो सर, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो एफ के ऊपर की तरफ खींचेगा, ये एफ के होगा, ये एफ के होगा। आ गया दूसरा भी, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गया, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ बॉडी भी आ गई, अब सिर्फ रह गया एक्सेलरेशन, अब हम एक्सेलरेशन डिटरमाइन करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम ले लेंगे, चलो फ्री बॉडी डायग्राम ले लो, लेके आ बॉडी को, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे, ये बॉडी है तो फ्री बॉडी डायग्राम लेना पड़ेगा, ये देखो ये बॉडी है, ये वाला इसके साथ बैलेंस कर रहा है, तो ये दोनों हम नहीं ले रहे हैं, है कि नहीं, सिर्फ ये दोनों ले रहे हैं। बॉडी किधर जा रही है, नीचे, इधर लगने वाला फोर्स कौन है, एमजी साइन 53 डिग्रीज, ऊपर लगने वाला फोर्स कौन है, एफ के, है कि नहीं, लेकिन बॉडी किधर जा रही है सर, नीचे की तरफ, बॉडी इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे मैंने दिखाए हैं मेरे पिछले वीडियोस में, आप उनको देख सकते हो, दिस माइनस दिस कौन, एमजी साइन ऑफ 53 डिग्रीज, ठीक है ना, माइनस एफ के, ये वाला पॉजिटिव क्योंकि ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, ये वाला नेगेटिव क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। अच्छा कैपिटल एम हमने लिया है, कैपिटल एम, बस एक्सेलरेशन मिली, एमजी साइन ऑफ 53 डिग्री, साइन 53 हम निकालेंगे, देखो अभी ट्रायंगल 3 4 5, ये 53 है कि नहीं, 53 का अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज,
हमें परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज चाहिए, तभी साइन 53 मिलेगा। परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5। माइनस एफ के कितना है 9/20। क्या एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, आपको समझ आया होगा। एम जी में कॉमन निकालता हूं, यहां से एम जी को कॉमन निकालो, मिलेगा क्या 4/5 माइनस 9/20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एम और ये एम कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करो एक्सेलरेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास और एक न्यूमेरिकल है, देखो कौन सा। अब हम दोनों वैल्यूज डिफाइन करेंगे। अब मैं दोनों वैल्यूज को रखूंगा यहां पे, मतलब आपको म्यू एस भी दिया होगा, आपको म्यू के भी दिया होगा, फिर आपको सारी चीजें फिर से बतानी पड़ेगी। जैसे सेकंड न्यूमेरिकल हम लेते हैं, देखो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन फिर से है, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और हमें कहा जाता है कि 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है सपोज, और इस पे एक ब्लॉक रखा गया है 2 kg का, ठीक, और इसके दो वैल्यूज दिए गए हैं, म्यू एस का वैल्यू 0.4 दिया गया है और म्यू के का वैल्यू 0.3 दिया गया है। हमें वही चीजें फिर से डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइन स्टेट, फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, हम इन्हीं को डिटरमाइन करना चाहते हैं। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन में फोर्सेस देखोगे जो लगने वाले फोर्सेस है, तो आपको याद होगा सर यहां से mg चाहेगा, है कि नहीं, और यहां सर नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ये ऐसे नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है ना, फिर यहां से सर और एक फोर्स आएगा और यहां से और एक फोर्स जाएगा, ये आप लोग जानते हो, अभी हमने किया था। चलो इसको मैं छोटा लिखता हूं, 37 डिग्री सर, यहां से mg का mg कितना होगा 2g, है कि नहीं, 2 इस टाइम मास 2 किलोग्राम्स है, तो ये 2g होगा, तो ये 2g का बोलो क्या होगा, cos ऑफ 37 डिग्री होगा, ये 2g का sin ऑफ 37 डिग्री होगा। हां सर ये तो समझ आ गया। अब देखो, देखते नीचे लगने वाला फोर्स कितना है, जो 2g sin 37 जो नीचे की तरफ इसको लग रहा है वो देखते कितना है, हम 2g sin 37 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, नीचे लगने वाला फोर्स 2g sin 37 की वैल्यू सर वो 2 × 10 हो गया, जी हम 10 लेते हैं, sin 37 देखते कितना होगा, sin 37 के लिए मैं ट्रायंगल फिर से बनाऊंगा 3, 4, 5, 37, हाँ सर ठीक है, sin हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 37 ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज 3/5, अरे समझ आ रहा है, हाँ सर ये 3/5, 5 1s are 5 2s are 2 2s are 4 3s are 12, तो 12 न्यूटन फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, देखते नीचे आएगा कि, हमें डिटरमाइन स्टेट करनी है, 12 न्यूटन फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, जो ही ये नीचे की तरफ खींचा जाएगा तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, कौन सा, हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं पहले, क्योंकि पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी और जब ये चलेगी तब काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, हमें तो देखना है ना क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार कर पाएगा या नहीं, कौन, ये 12 न्यूटन फोर्स क्या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार कर पाएगा या नहीं, तब नीचे बॉडी आएगी, अदरवाइज नॉट, हम देखते हैं ये कितना लगने वाला है। अच्छा एफ एस किसके बराबर होता है सर, एफ एस होता है म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, है कि नहीं, एन कितना है सर, एन 2g cos 37 डिग्री है, तो मैं एफ एस निकालना चाहता हूं या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहता हूं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना प्रेजेंट होगा, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, तो एफ एल लिखा जाएगा, म्यू एस की वैल्यू कितनी है सर, उसकी वैल्यू 0.4 दी गई है और एन की वैल्यू कितनी है 2 × g × cos 37 डिग्री, ये 0.4 × 2 × 10 हो गया × cos 37, कॉस हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, है कि नहीं, हाँ सर ये 4/5, ये हम करेंगे ये 10 0.4 से मिलाएंगे तो ये 4 बनेगा, ये 4 2s are 8 8 4s are 32 / 5 हो जाएगा, है कि नहीं, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ, 0.4 इसका मिवेस है, ये 2 है, ये g है, कॉस 37 कितना होगा, कॉस हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अच्छा ये बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो 4/5, ये 4/5 आ गया, ठीक है ना,
तो ये 10 × 0.4 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया, ठीक है ना, और डिवाइड में 5 आ जाएगा। 4 × 2 = 8, 32 / 5, ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ गया ना। अच्छा चलो, तो 5 × 6 = 30, 6 point something, अब हम 6 न्यूटन लेके चलते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ हम 6 न्यूटन लेके चलते हैं। 5 × 6 = 6 point something, 6.4 आ जाएगा, ये 5 × 6 = 30 हो गया, तो 2 निकले तो 0.6.4 आ जाएगा। अब हम अप्रोक्सीमेटली इसको 6 न्यूटन लेके चलते हैं, ठीक है, सो देट हमारा न्यूमेरिकल थोड़ा आसान हो जाए। तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है, जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो 6 न्यूटन या 6.4 न्यूटन का है, लेकिन नीचे लगने वाला फोर्स कितना है, 12 न्यूटन है, तो इसका मतलब ये 12 न्यूटन इसको क्रॉस कर पाएगा। बोलो, बॉडी रेस्ट में रहेगी कि मोशन में आएगी? सर मोशन में आएगी। किधर आएगी? सर नीचे आएगी। इसका मतलब हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा क्या वो स्टैटिक होगा कि काइनेटिक? सर वो तो काइनेटिक होगा, इसलिए हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर सेकंड पार्ट, तो स्टेट हमने डिटरमाइन की मोशन है और फ्रिक्शन हमने डिटरमाइन की वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक। ऊपर की तरफ मैं लिख के रखता हूं कि ये 6.4 न्यूटन है जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली 6 लिखा है, ठीक है, कुछ ऐसे। चलो आगे लेके आओ, काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होगी। अब तो काइनेटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सर काइनेटिक फ्रिक्शन होती है μK × N, μK × N, ठीक है, μK कितना है, 0.3। सर Fk लिखा जाएगा, μK की वैल्यू 0.3, N की वैल्यू फिर से 2g cos 37 degrees, 2g cos 37 degrees। Fk की वैल्यू लिखी जाएगी सर 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 × g की वैल्यू 10 × cos 37, कितना, 4/5, 4/5, ठीक है। Fk की वैल्यू लिखी जाएगी, ये 0.3 10 के साथ मिलेगा तो 3 बनाएगा, और 2 है और 4 है, डिवाइड बाई 5 है, 4 × 2 = 8, 3 × 24 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट 24 / 5 हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, ठीक। हम इसको अब 5 × 5 = 25, अप्रोक्सीमेटली 5 लिखेंगे, 5 न्यूटन जो है ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब हमें कौन चाहिए? सर अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए। चलो एक्सेलरेशन लेके आओ। एक्सेलरेशन के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये बिल्कुल समझ आया होगा आपको। ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं। बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव होगा, तो 2g sin 37 जो है माइनस हो जाएगा किसके साथ? बोलो, 6 न्यूटन के साथ, हमने इसको 6 माना है, इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। बस हो गया 2g sin 37, हमें पता है ये 12 है, तो 12 − 6, ये हमें 12 पता है ना, ये नीचे की तरफ 12 आया था, 12 − 6 इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी 2 है * a, 12 में से 6 काटेंगे तो 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय a, 2 × 1 = 2, 3 × 6, तो a इज इक्वल टू 3 m/s² आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज था।